क्योंकि अब्बू भी साथ नहीं थे, क्योंकि मेरी जैसे शादी हुई और मेरी शादी के बाद उनकी टेस्ट हुई, तो मैं उनसे काफी अटैच थी। आज इनको मौका मिल गया हाथ पकड़ने का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बस भाई ठीक हो गया। और भाई आज सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग जनाब जा रहे हैं, पार्सल कोई आया दिलबर भाई का, वही लेने जा रहे हैं। अनबॉक्सिंग दिलबर भाई ने करने बोला कि नहीं करना, ना उसको खोलना ना छेड़ना ना कुछ, ये ज्यादा हमने सोचा हम खुद ही खोले थे, लेकिन वो अभी अपने चैनल पर दिखाएंगे जो भी होगा। कैसे हम जा, ये हम खोल लें, खोल दें ठीक है ठीक है। ये दिलबर भाई की कॉल भी आ गई, तो फिर अभी हम चलते हैं। तो भाई ये रहा पार्सल जो कि हमें मिला है, लेकिन दिलबर भाई जो ना मैं बार बार कॉल करके बोले बिल्कुल नहीं खोलना, बिल्कुल नहीं खोलना, तो हम इसको नहीं खोल रहे। कैसे नहीं खोल के दिखाओ, मैं खोल। नहीं दिलबर भाई बोले नहीं खोलो, नहीं उसने बिल्कुल मना किया, मैंने उसको बोला खोलूंगा तो गुस्सा करेगा वो, ठीक है नहीं मैं नहीं खोल रहा। डीडी भाई आएंगे फिर देखेंगे, ठीक है? हाँ अभी नहीं। तो भाई अभी हम लोग जा रहे हैं सितारा लोगन घर, फिर वहाँ पे चल के आपको मिलते हैं। कैसे हमजा जी? जी देखें हमजा जो ना अभी सीखता जा रहा है, जी आप ये सब ऐसा सीख रहे। कैसे हमजा जी? ये देखें जी, जी फिर से बोलो जी। जी देखें कितना प्यारा बोल रहा है जी। अच्छा सबको आई लव यू बोल दो। आई लव यू। और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चले जी हम चलते हैं, फिर आपको बाद में मिलते हैं वहाँ पे चल के। माऊ यूं बोल, माऊ ये देखो। माऊ ये देखो, हमजा भी माऊ है। हमजा ये क्या खा रहे हो? फिर उसने वो छत पे मारा चाहिए थे। छत पे मार रहा था आपको? अच्छा अच्छा ये अच्छी है चीज। हाँ एक जगह तो ये लेके आया कर लो, ये अच्छी होती है। इसका नाम क्या है? अभी नहीं पता, तो फिर मैं कैसे लेके आता रहूंगा? फिर ये डब्बी रख दे, मैं डब्बी दिखाया करूंगा उनको, ठीक है जी। अच्छा तो तुम्हें ये भी पता है कि इस गली से जाओ एक शॉप है वहाँ से मिलेगी? वाह भाई ठीक है ठीक है। अच्छा जी तो अभी हम लोग आए हैं अब्बास लोगों की दुकान पर, जो तारिक और अब्बास की है, उनसे नहीं मिले तो अभी हम उनके पास जा रहे हैं। चलो हमजा। अच्छा जी तो इस टाइम जरा मैं अब्बास और तारिक भाई की शॉप पर आ चुका हूँ, और हमजा भी आया हुआ है, और हमजा आते साथ इनको बोलते हैं मेरा भी चैनल है और उसको सब्सक्राइब करें। देखें इसके काम देखें। हमजा क्या बोल रहे थे? और अब्बास भाई आप कैसे हो? ठीक भाई, बस ये भी अभी कुछ दिन तक जो है सऊदीया जाने वाले हैं, फिर ये जो ना आपको वहीं पर मिलेंगे मदीना में, जो कुबा मार्केट है उसमें मिलेंगे। सुख बिलाल, सुख बिलाल, सुख बिलाल जो है ना वहाँ पर मिलेंगे, फिर आप भी अगर जो जहाँ वहाँ वाले तो फिर इनको जाके वहीं पर मिलिएगा। और तारिक भाई इधर होके खड़े होके खुश हो रहे हैं, क्यों तारिक भाई? बस वैसे जैकेट दे। जैकेट सर्दी लगी है ना मुझे। अच्छा जी तो अभी हम लोग घर पर आ गए, और हमजा कब से सर खा रहा है कि मेरा केक काटो। क्या करें हमजा? ये बोल रहे मेरा केक अभी काटो। इसका केक आपको समझ नहीं है, काफी लोगों को नहीं पता होगा, इसका भी चैनल है हमजा बाबर के नाम से, तो इसके जो ना 5,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो हमने बोला था जिस दिन इसके 5 होंगे तब काटेंगे, लेकिन वो तो कल से हो गए, लेकिन आज काटने मैं इसको बोल रहा हूँ, रात को ये बोल रहे अभी रात को काटेंगे, ठीक है हमजा? अभी नहीं रात को काटेंगे, डीडी भाई आ जाएगा ना फिर सब मिल के काटेंगे, ठीक है? अच्छा अभी काटते हैं, ठीक है चलो आ जाओ भाई। इसका ब्लू वाला केक है, अभी पता नहीं ब्लू वाला केक मिलता है नहीं मिलता है, बाद में देखते हैं हम लोग, ठीक है आ जाओ। अच्छा अभी काटते हैं, आ जाओ आ जाओ। हमजा क्या कर रहे हो? क्यों दूर करो इसको, सही से फिर सफाई करो, यहाँ पे भी लगाओ।
उधर सारा गिराया था अभी। वैसे क्यों लगा रहे हो? ये गंदी हो गई जगह। तो अभी आप सफाई करोगे फिर? हाँ। वाह भाई, बाबू जाने जी, मम्मा ने सफाई कर दी। अच्छा हम अच्छा सबको अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? तो भाई इस टाइम मैं गैस भराने हूँ। हमारा गैस बहुत जल्दी खत्म हो जाता है भाई। 1000 रुपये का डलाओ तो मतलब 8 से 10 दिन ही मुश्किल से, 7-8 दिन चलता है क्योंकि सर्दियों के दिन है तो काम बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए देखें लाइन लगे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी काम में दूसरे का पे गया तमाम बहुत ज़्यादा लाइन थी। तो अभी जैसे ही गैस भराते हैं फिर घर चलता हूँ। फिर हमजा का केक लेने, हमजा बहुत तंग करा है, बोलते जल्दी से मेरा केक कट करो। ये लो, यही तो थे। कितने? ये 50 हैं। अभी इतना भी पता गया फिर तो तुम्हारे कितने थे? 20,000 का भी देखे हैं। एक इसके ऊपर पाउंड रखो। हाँ कौन से थे जो तुम्हारे थे? ये नहीं निकालो, ये तो मेरे हैं। नहीं सारे नहीं। कौन से थे दिखाओ, कौन से वाले? अच्छा अभी रोने ये वाले थे। तो रोए क्यों थे? अच्छा अभी खुश हो? हाँ अंकल मुझे तुमने जोर बोला तो मैं ठीक है भाई, सॉरी। अच्छा रोया नहीं करो, ठीक है? तुम बीजेपी नहीं बना सके। और तुम किसी के मोबाइल पे अच्छा किया। चलो भाई ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी। ये तुम्हारा बीज है? ठीक है, ये आपका बीज है। बीजा दिखाओ अपना, दिखाओ इसको। ये इसको आपको कौन से अंकल ने दिया? आपके जिसके घर पे तुम गए? अब्बास अंकल मुझे दे दो, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। अच्छा तो दिल पर भाई आ चुके हैं। और अभी जो ना हम सोच रहे हैं कि अभी हम जाते हैं केक लेते हैं क्योंकि हमजा की जो ना वीडियो हम डेली जो ना अभी मतलब बनाएंगे तो अभी अपलोड कर देंगे। तो हमजा का ये सीन है। तो अभी हम लोग जाते हैं, फिर मुझे काम पर भी जाना होता है, फिर मैं लेट हो जाता हूँ। इस वजह से अभी जो ना हम जल्दी से जाते हैं, फिर मैं सबको बोल भी देता हूँ। कैसे हमजा अभी चले ना जी? क्या लेते हैं? केक ब्लू। ये आप बताओ। पागल अंकल देते नहीं, बनाते बना के देते। ब्लू वाला? हाँ। मुझे तो नहीं लगता कि बना कर वो तो चॉकलेट वाला बेचते है। वो तो चॉकलेट वाला बेचता है? हाँ। और पिंक वाला भी बेचते है, ब्लू भी बेचते है। ब्लू नहीं है, मैंने आज तक नहीं देखा ब्लू वाला। ठीक है बस बना के देते। चलो अभी देखते हैं, अगर मिला ठीक है तो फिर व्हाइट वाला लेंगे। ठीक है चॉकलेट चॉकलेट वाला लोगे? कौन सा लोगे फिर? ब्लू मेरा ब्लू वाला फेवरेट। चलो देखते हैं अभी ब्लू वाला अगर मिल जाता। तो भाई ये डीडी भाई है, ये हमजा है। अभी हम सब निकल रहे हैं यहाँ से केक लेने के लिए। जी डीडी भाई पागल हो क्या? हाँ आप जीत गए। हाँ। वाह भाई वाह। चलो बैठे बैठे अपनी बाइक निकालो भाई। वो हमारी पंचर है, वो देखो हवा, वो देखो पेंचर है। मैं अभी लगवा के लगवाया नहीं है, मैं ऐसे हवा भरा के आ गया था। तो भाई अभी हम लोग जो ना आ गए हैं इम्तियाज पर जो कि क्लिफ्टन में, और अभी हम लोग अंदर जाएंगे फिर वहां से जाके हमजा का केक लेते हैं। क्या देखोगे? चलो पहले मास्क ले लें हम लोग। तो अभी हम लोग यहां पर आ गए, अभी हमजा के जाके हम लोग यहां से केक देखते हैं। ये इस जगह से क्या हुआ हमजा? तो भाई हमजा ने यहां पर शॉपिंग कर ली हुई है, देखें इसकी ट्रॉली। हमजा कहां जा रहे हो? अच्छा जी, तो हमजा ने यहाँ पर केक ले लिया। इसको ब्लू केक नहीं मिला क्योंकि ब्लू होते नहीं है, वो बोले या तो फिर पहले एक दिन पहले ऑर्डर करते। इसलिए हमजा नहीं तोड़ो, इधर आ जाओ। और भाई अभी जो ना हम लोग आए थे घर, हमजा जो ना डीडी भाई के चले गया, मैं अपनी वाइफ को लेने आया था, और जो ना क्या बोले डीडी भाई अपनी फैमिली को लेने गए। तो डीडी भाई जैसे आते हैं तो फिर जो ना हम चलते हैं सतारा लोगों के घर, फिर वहाँ पर चल के आपसे मिलते हैं। कैसे हमजा जी, आज खुश हो ना आप? तो भाई हमजा अभी यहाँ पर आ चुका है और हमजा बोल रहे हैं बर्थडे केक, हालांकि ये बर्थडे नहीं है, हम लोग जो ना उसके 500 केक की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको बर्थडे ही लग रहा है। ये दिल पर भाई बर्थडे नहीं है। अच्छा तो ये देखिए हमजा लोगों का मतलब केक कट चुका है और ये सब खा रहे हैं, अभी सब खुश है और हमजा सबसे ज्यादा खुश है। अभी हमजा की खुशी का आप अंदाजा लगा रहे, मतलब बात नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं बोलूँ। नहीं है फूफो सितारा के लिए,
बाकी ये हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है। हम लोग खुद लेकर आए, हमने जो बोला है वही केक लिया हम लोगों ने। तो भाई बच्चों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बच्चों के लिए था और ये सब खुश हैं अभी। तो अभी हम घर चलते हैं, फिर आप वहाँ पे चलते। अच्छा ये तो हम लोग जो ना फिर से जो ना सितारा के घर आए थे क्योंकि घर पे नेट नहीं था, मुझे हमजा का व्लॉग जो ना अपलोड करना था जो कि हम मुस्तफ़ा की वजह से पॉसिबल हुआ क्योंकि मुस्तफ़ा के पास बहुत ही अच्छा नेट है, कमाल का, ये ऐसे मक्खन की तरह चलता है जो अभी 1.5 घंटा हो गया अभी तक अपलोड नहीं हुआ इतना तेज है इनका नेट। और अभी बस बैठे हुए, जैसे अपलोड होगा फिर हमजा का जो ना फिर हम जो ना उसको पब्लिक करेंगे। क्या खा रहे हो? खत्म कर दिया अभी तो। और भाई ये देखें तमन्ना मलिक लाइए, कस्टर्ड लाइए और डिडी बहुत अच्छा चल रहा है। चलो अभी हमें इजाजत, चलिए अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया, अच्छा हो गया, चलो और सर खुश रहो, आबाद रहो और दिल को मजबूत बन। देखें वो आपकी बहन है, जब आपने कह रहे हैं मेरी बहन है तो हमारा मियां दोनों का बस सारी बातें खत्म हो जाएगी। कभी अपनी आंख में आंसू ना आओ, कभी आंसू कैसे आप माइक लेंगे? जी करम अल्लाह का ये स्ट्रॉन्ग से माइक में बोले ना जरा, क्या हाल है? आप तो बोलते रहे ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ, आप सुने कैसी है? हट्टी कट्टी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, दे आर वेरी इनोसेंट पीपल, आप बहुत अच्छे हैं। और लोग जो कहते हैं ना ये फेक है, ये ऐसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज जब आप बोलते हैं ना तो बोलने से आपकी बैकग्राउंड का पता चलता है कि आपका ताल्लुक किस खानदान से। हमेशा मुंह से अच्छी बात निकाला करें क्योंकि जब आप बोलते हैं बोलने से आपकी पर्सनैलिटी जो है ना वो काउंट होती है। तो अच्छा बोला करें, लोगों के बारे में जब आप पॉजिटिव सोचेंगे ना तो देखिए आपकी लाइफ में इंशाल्लाह कैसे चेंज आते हैं। बहुत अच्छी बात की, बस लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए। पता ही बात है, जब इंसान बोलता है उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि वो क्या है। जी बिल्कुल, ठीक है जी। मैंने इनको कल से बताया था, इन्होंने कहा कि नहीं स्ट्रॉन्ग उसमें जब आएंगी हमने मिलना है उनसे, बिस्मिल्लाह तो आए ना। और इंशाल्लाह आपको कुछ खिलाओ पिलाओ मेरी तरह मोटा। नहीं आपने बोल दिया, इतना ही काफी। बाबा ने आपका इंटरव्यू ले लिया। अल्लाह पाक मुझे आगे भी इस चीज का सबर दे के ये वक्त ये रात किसी तरीके से कट जाए, बस ये टाइम किसी तरीके से कट जाए। बहुत मुश्किल होता है वो टाइम गुजारना, बहुत मुश्किल होता है। सुनने में इजी लगता है कि हाँ रात थी गुजर गई या फिर शादी थी हो गई, लेकिन ये जिसमें गुजरती है ना असल में पता तब चलता है। आप मुझे ये बताएं उस्मा जी के जब एक होता है कि इंसान खुद शादी होकर आता है, एक बहुत खुशी का मौका होता है, वो पहली बार हम दुल्हन बन के आते हैं, उसके बाद आप ही किसी और को दुल्हन बना के लाएं लेकिन अपने ही शौहर की, तो वो चीज आपको कैसी लगी? मतलब ये क्यों, क्या लगा आपको? जी जब मेरी फर्स्ट शादी हुई थी, जब मैं दुल्हन बनी, जब मेरी दोबारा शादी हुई तो एक साथी से निकाह हो गया था, तो मुझे ये लगता था कि मेरे हस्बैंड के सारे अरमान रह गए हैं, ही वाज अनमैरिड, तो मुझे लगता था कि वो उसकी शादी होनी चाहिए जैसे होनी चाहिए। तो जब मैंने उसकी दुल्हन को देखा, वो दुल्हन बन के आई, तो वो सारी फीलिंग्स मेरे अंदर आ रही थी जब मैं भी ऐसे एक दिन दुल्हन बनी थी। तो इंसान होता है ना कि जब वो दुल्हन बनती है फिर वो एक उनके अरमान होते हैं, ख्वाब होते हैं कि यूं होगा, ऐसे लाइफ होगी, मेरा हस्बैंड ऐसे, आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसे होगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ सच। अब तो शादी होके भी वो दुल्हन भी बन गई, सब कुछ हो गया, वलीमा भी अगले दिन नेक्स्ट डे मैंने कर दिया, सब कुछ हुआ। फिर तो लोगों ने कुछ कहा भी कि ये अच्छा नहीं किया तुमने, और लोगों ने मुझे गालियां भी निकाली, कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। तो ये सारे फैसले जो है अल्लाह ही तय करता है, और मुझे लगता है कि अल्लाह के फैसलों के ऊपर हमें खुश होना चाहिए क्योंकि ये दुनिया आरजी है, फानी, हमने इस दुनिया से चले जाना। तो हो सकता है जिंदगी में हम कोई ऐसा नेक काम कर दें जो हमारी आखिरत में बख्शिश का सबब बने, मुझे ये लगता है। और आपको कैसा लगा कि जब आप दुल्हन बन के आएंगी, फिर 13 साल हो गए आपकी शादी को? जी 13 साल। 13 साल आपने एक शख्स के साथ गुजारा, और
कोई भी अपने शोहर को शेयर नहीं कर सकता, ये एक कुदरती बात है। लेकिन कुछ कुछ औरतें करती हैं, ये उनकी हिम्मत की बात है कि कुछ कुछ औरतें करती भी हैं। तो जब वो दुल्हन बन के आई तो वो चीज आपको कैसी लगी? मुझे उस टाइम पे मुझे मेरे अबू याद आ रहे थे कि जब उन्होंने मेरा हाथ लिया था या मैं उस टाइम की दुल्हन बनी थी, तो उन्होंने क्या सोच के मुझे दिया था कि आगे मेरे नसीब में ऐसा कुछ होगा या मेरे आगे मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा। बाप जब अपनी बेटी को देते तो 100 दिल में अरमान होते हैं कि मैं ऐसी जगह पे दे रहा हूँ, ये दुनिया में सबसे अच्छी जगह है मेरी बेटी के लिए, ये सबसे अच्छा घर है। तो उनके मुझे बस उस टाइम पे अबू भी साथ नहीं थे क्योंकि मेरी जैसे शादी हुई फौरन मेरी शादी के बाद उनकी डेथ हो गई, तो मैं उनसे काफी अटैच थी, काफी क्लोज थी। तो बस वही याद आ रहा था कि कैसे वो मुझे लेके चल रहे थे, मेरे साथ साथ रो रहे थे, मैं जब दुल्हन बन के बैठी थी।